बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली पार्टी आवामी लीग ने फिर इतिहास रच दिया। रविवार को हुए आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने 300 में से दो तिहाई से अधिक सीटें जीत ली हैं। शेख हसीना पांचवीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। बांग्लादेश में चुनाव और हिंसक वारदात दोनों ही चर्चा का विषय है। मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के बहिष्कार के बीच बीते रविवार को मतदान हुआ था, जिसके बाद मतगणना के दौरान बांग्लादेश चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को दो तिहाई बहुमत के साथ जीत का ताज पहना दिया है, जिसके बाद अब वो पांचवीं बार बतौर प्रधानमंत्री बांग्लादेश का नेतृत्व करेंगी। हालांकि पूरी दुनिया को इस परिणाम से कोई हैरानी नहीं है। नवंबर की शुरुआत में जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी और जब मुख्य विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, तभी उनका पीएम बनना तय हो गया था। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को दो तिहाई बहुमत मिला है। ऐसे में सवाल है कि दूसरे नंबर पर कौन आया? किसी राजनीतिक दल की जगह निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मार ली। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने जहां 222 सीटें जीती, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को 63 सीट पर कामयाबी हासिल हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक वर्तमान में विपक्ष जातीय पार्टी है, जिसे 300 में से 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। जीतने वाले लगभग सभी वही उम्मीदवार हैं जिन्हें आवामी लीग ने खारिज कर दिया था। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी ने उन्हें दुनिया को दिखाने के लिए डमी कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया था। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गोपालगंज 3 संसदीय सीट पर फिर से शानदार जीत दर्ज की। उन्हें 249,965 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी एवं बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के एम निजामुद्दीन लश्कर को महज 469 वोट ही मिले हैं। अगर बांग्लादेश की संसद की बात की जाए तो बांग्लादेश में एक संसद है जिसे जातीय संसद यानी हाउस ऑफ द नेशन कहा जाता है। इस संसद में 350 सदस्य होते हैं। इन 350 सदस्यों में से 300 सदस्य वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित वोट शेयर के आधार पर बांटी जाती हैं। अब बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को 151 सीटों पर जीत दर्ज करना जरूरी होता है और इस देश के संसदीय चुनाव हर 5 साल में होते हैं। प्रधानमंत्री के चयन के बाद वो उम्मीदवार बांग्ला या अंग्रेजी में शपथ लेता है। बांग्लादेश में दो प्रमुख पार्टियां हैं। पहली पार्टी शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी है। दूसरी पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया के नेतृत्व वाली मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया था। मुख्य विपक्षी पार्टी का आरोप है कि शेख हसीना की सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी नहीं है। वर्तमान सरकार आम चुनाव में धांधली और वोटिंग के दौरान हेर फेर करती है। हालांकि शेख हसीना की सरकार ने इस आरोप को हमेशा ही नकारा है। विपक्ष के द्वारा आम चुनाव का बहिष्कार करने का एक कारण ये भी है कि बीएनपी और उसके सहयोगी दलों के लगभग 28,000 नेता और समर्थक जेल में हैं। जेल में बंद कई ऐसे चेहरे हैं जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा सकते थे। बता दें कि बांग्लादेश में वर्ष 2009 से हसीना के हाथों में सत्ता की बागडोर है। इस बार एक तरफा चुनाव में वो लगातार चौथा कार्यकाल हासिल करने वाली प्रधानमंत्री बनी हैं। प्रधानमंत्री के रूप में उनका अब तक का ये पांचवा कार्यकाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।